3.5 जो है बच्चों वो स्केलर, आप लोगों ने अभी तक डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, उससे रिलेटेड आपने एक्सरसाइज सॉल्व की थी। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इससे रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे 3.5 पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालना है। सर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। पहले क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है प्रूफ करो कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस बी माइनस टाइम बी क्रॉस ए के बराबर है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ करना है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूँ, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर 1 वाला काम हो ही जाएगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर लेते हैं। गिवन गया आपको वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी माइनस टाइम बी क्रॉस ए के बराबर है। तो दो चीजें आपको निकालनी, निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। अच्छा बच्चों, ये जो यूनिट वेक्टर है इसके ऊपर बेहतर तरीका होता है आप कैप लगा लिया करो। ए क्रॉस बी क्या होगा, सिंपल आई जे के, अच्छा ए के पुट करो, आई के साथ 1 है, जे के साथ माइनस 7 है, के साथ 7 है। इसी तरीके से बी में 3 है, माइनस 2 है, 2 है। इस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो। अब आपने डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। अब देखो डिटरमिनेंट वाला काम आप लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हो, तभी चैप्टर 1-2 सबसे पहले करवाने चाहिए, फायदा होगा ही। यहां से जरा आई क्या होगा, माइनस 7, 7 माइनस 2, ये चीजें आ जाएंगी। इसी तरीके से माइनस जे 1, 3, 7, 2 आप रॉ 1 से एक्सपेंड कर रहे हो उसको। इसी तरीके से 1, -7, 3, -2 अगर आप लोग भूल गए हो डिटरमिनेंट कैसे निकालना तो जाके देख लेना, बहुत इजी तरीका था। अब किस तरह आपने सॉल्व करना है, माइनस 7 को 2 से करो -14, माइनस 2 को 7 से करोगे -14 आएगा, लेकिन दरमियान में भी एक माइनस होता है जो कि उसको +14 कर देगा। इसी तरीके से 1 को 2 से करो 2, 3 को 7 से करो 21, लेकिन दरमियान में माइनस, 1 को -2 से करो -2, 3 को -7 से करो -21, लेकिन दरमियान में नेगेटिव, उसके बाद से +20। देखो आई तो कैंसिल हो गया, जे क्या बचा -19, ये हो जाएगा +19 जे, और ये हो जाएगा 19 के, ये आपके पास ए क्रॉस बी आ गया, ठीक। अब आपको क्या निकालना था, बी क्रॉस ए, अब जरा उसकी वर्किंग करते हैं, दोबारा देख लो ये काम कर रहे हैं हम। बी क्रॉस ए में क्या होगा कि पहले अब आप बी पुट करोगे फिर ए पुट करोगे, तो बी क्या है 3, -2, 2 और ए है 1, -7, 7। सेम दोबारा ही काम करते हैं। अब मैं ये वाला स्टेप बच्चों स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, जो पहला स्टेप किया था मैं स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट स्टेप पे आ रहा हूँ कि आई के लिए आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा -14, अगेन +14 आएगा, 3 को 7 से करो 21, 1 को 2 से करो 2, दरमियान में नेगेटिव, 3 को 7 -7 से करो -21, 1 को -2 से करो -2, लेकिन दरमियान में पॉजिटिव, तो अगेन ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -19 जे और ये हो जाएगा -19 के, ये आ जाएगा बी क्रॉस ए। आपको प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था ए क्रॉस बी बराबर है -a क्रॉस -b क्रॉस a के। तो आप खुद देख लो इसमें और इसमें फर्क सिर्फ माइनस का है, तो आप लिख सकते हो कि बाई 1 एंड 2, मतलब 1 एंड 2 को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप इस नतीजे पे पहुंचोगे कि ए क्रॉस बी जो है वो नेगेटिव है बी क्रॉस ए के। और आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो कि बी क्रॉस ए जो है वो नेगेटिव है ए क्रॉस बी के, फर्क इनमें नेगेटिव का है, बाकी वैल्यूज एग्जैक्ट वही है। इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो ये चीज आ जाएगी, या इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो ये चीज आ जाएगी। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की वर्किंग भी होगी कि आपको ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए निकालना था, वो भी देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का काम भी देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में बोला हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर व्हिच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ वेक्टर, अच्छा देख लेते हैं इसको भी, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कर लेते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आपको, देखो मैंने अगेन 2 कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, एक होता है कि आपको बोला जाए कि एक वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन होता है कि जो वेक्टर गिवन है उसको डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। एक सवाल होता है कि 2 वेक्टर आपको देंगे और बोलेंगे इन 2 वेक्टर के जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है उसको निकालो, तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, आप उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, उस क्रॉस प्रोडक्ट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, जो रिजल्ट में वेक्टर आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा उनके परपेंडिकुलर। ये मैं दोबारा बताऊंगा आप लोगों को, जैसे ये सवाल है ना, फॉर एग्जांपल यही सवाल था,
अगर आपको बोला जाता है इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालो, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आ गया ना, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है इसके रिजल्ट में आपको एक तीसरा वेक्टर मिला है ना। अगर आप ऑब्जर्व करो ए क्रॉस बी के रिजल्ट में आपको एक तीसरा वेक्टर मिला है जिसको मैं सी कह देता हूं। ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर बेसिकली परपेंडिकुलर है ए और बी के। तो अगर आप इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालोगे तो वो यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में होगा और इनके परपेंडिकुलर होगा। दोबारा बताता हूं कि इन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट जब आपने निकाला तो आपको तीसरा वेक्टर मिला। ये जो सी है ना, ये परपेंडिकुलर है इन दोनों पे। तो आप क्या करो, अगर जो सी की डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर निकालोगे वो यूनिट वेक्टर इनके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस सी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, सिंपल सी को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। इन अदर वर्ड्स सी किसके बराबर था, क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर था। इसको डिवाइड कर दो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से, ये फॉर्मूला है। ये दोनों एक ही है, बस इस पे ए क्रॉस बी को सी के बराबर लेट कर लिया तो ये आपको इतनी साफ सुथरी नोटेशन नजर आ रही है। इसमें ए क्रॉस बी को लेट नहीं किया तो इस तरह आपको नजर आ रहा है। दोनों केसेस में कंक्लूजन ये है कि जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो परपेंडिकुलर गिवन दो वेक्टर के, तो आप उन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, उनको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो इनके परपेंडिकुलर होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब जरा देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर में सेम आपको बोला गया कि यूनिट वेक्टर निकालो परपेंडिकुलर। बस क्वेश्चन नंबर थ्री में ए और बी के परपेंडिकुलर निकालना है, जबकि क्वेश्चन नंबर फोर में ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर निकालना है। क्या फर्क होगा जरा देख लेते हैं। सबसे पहले ए और बी मेंशन कर दो। ए है यहां पे 3i प्लस 5j माइनस के और बी है यहां पे i प्लस 2j माइनस 5k। तो अगर आपको बोला जाता कि ए और बी के परपेंडिकुलर निकालो तो आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते और ये फॉर्मूला लगाते, लेकिन आपको बोला है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, तो आप सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लो। ए प्लस बी क्या है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, ये ए हो गया और बी है आई प्लस टू जे माइनस फाइव के। तो ऐड करते हैं जरा, थ्री आई और आई ये हो जाएगा फोर आई, फाइव जे और टू जे ये हो जाएगा सेवन जे, माइनस के माइनस फाइव के ये हो जाएगा माइनस सिक्स के। ये आपके पास ए प्लस बी आ जाएगा। अब आपको यहां पे ए माइनस बी निकालना है, सेम ये ए हो गया माइनस ये बी, सबट्रैक्ट करो। अब थ्री आई माइनस आई ये हो जाएगा टू आई, फाइव जे माइनस टू जे ये हो जाएगा थ्री जे, माइनस के माइनस माइनस पॉजिटिव तो माइनस के प्लस फाइव के ये हो जाएगा प्लस फोर के, ये ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये आपके काम के दो वेक्टर है, ये वाला और ये वाला, ये आपके काम के वेक्टर है, क्योंकि यहां पे आपको इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर निकालना है। तो जब इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर निकालना है तो अब फॉर्मूला क्या होगा, आप पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, तब आपके पास इस फॉर्मूला पुट करोगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आएगा। मैं करके दिखा देता हूं आप लोगों को। आप क्या करो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, किस किस का, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। मेथड वही रहेगा कि जो पहले है उसको आप डिटरमिनेंट में पहले पुट करोगे, ए प्लस बी क्या आया है फोर सेवन माइनस सिक्स, ए माइनस बी क्या आया है टू थ्री फोर। सॉल्व करते हैं इसको बच्चों, सेवन फोर जार ट्वेंटी एट ये हो जाएगा माइनस एटीन जो कि प्लस एटीन हो जाएगा। देख लेना इसको इतना मुश्किल नहीं यार, हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 46i माइनस 28j और माइनस 2k, ये आपके पास ये वाला वेक्टर आ गया। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, इसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सबको पता है और उसके लिए मुझे कैलकुलेटर चाहिए होगा। मैग्नीट्यूड में क्या करते हो, सबसे पहले 46 का स्क्वायर करोगे, तो चलो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। 46 का स्क्वायर प्लस माइनस 28 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, जो भी आई जे के साथ लिखा होता है आप उसका स्क्वायर करते हो। तो जरा कैलकुलेटर यूज करते हैं, 26 का स्क्वायर, ओ सॉरी 46 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो ये आंसर आ रहा है 22 रूट 6, ये आंसर आ रहा है। ठीक है,
तो क्या किया आपने, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो बड़ा इजी तरीका यूनिट वेक्टर निकालने का। अच्छा एक हम आसानी भी करते हैं अपनी, हम लेट कर लेते हैं ना ताकि आसानी हो जाती है। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट है लेट कर लो सी के बराबर है, मतलब ये जो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी इसके रिजल्ट में कोई वेक्टर आएगा ना तो लेट कर लो सी के बराबर है, आसानी हो जाएगी। और इनका मैग्नीट्यूड मतलब सी का मैग्नीट्यूड इस तरह है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो दिखने में थोड़ी अच्छी लगेगी कि इस पूरी चीज का मैग्नीट्यूड मतलब सी का मैग्नीट्यूड आपने लेट कर लिया कि ये पूरी चीज जो है ये तीसरे वेक्टर मतलब सी के बराबर है फॉर एग्जाम्पल। तो अब वक्त आगे यूनिट वेक्टर निकालने का। यूनिट वेक्टर का छोटा सा फॉर्मूला मैं अपन लिख देता हूँ। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर यहां पे क्या है, ये पूरा वेक्टर है, इसको डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड आया है 22√6। तो बस अब आपने क्या करना है, एलसीएम ब्रेक करना है यहाँ पे, हर एक के नीचे 22√6 देखो। तो 46/22√6 आई, इसी तरह 28/22√6 जे, इसी तरीके से -2/22√6 के। बस आपने एलसीएम ब्रेक कर दिया, आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, इसको चेक करके भी देख लेना यूनिट वेक्टर ही है, इस तरीके से आप निकाल रहे। तो आखिर में कंक्लूजन में दे दूं आप लोगों को कि जब भी आपको परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना होता है, जिन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर निकालना है उन दो वेक्टर का आप निकालते हो क्रॉस प्रोडक्ट, फिर निकालते हो मैग्नीट्यूड। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट में वेक्टर आया है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन से दो वेक्टर के परपेंडिकुलर निकालना था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमने पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, फिर जो क्रॉस प्रोडक्ट आया उसका मैग्नीट्यूड निकाला, और हमने अपने आसानी के लिए नाम दे दिया कि यार इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट में वेक्टर आएगा उसका नाम सी होगा। तो इनका मैग्नीट्यूड मतलब सी का मैग्नीट्यूड। तो अब यूनिट वेक्टर कैसे आते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, और आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया। अब जरा समझो बातों को, क्योंकि सारे सवाल एक ही किस्म के। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर। भाई पैरेललोग्राम की अगर आपको दो एडजेसेंट साइड पता है तो आप एरिया निकाल सकते हो। उन्होंने आपको एक साइड दे दी ए और दूसरी साइड दे दी बी। मतलब फॉर एग्जाम्पल पैरेललोग्राम बनता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल ये ए वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल ये बी वेक्टर है। तो मैंने कहा था पैरेललोग्राम कैसे बनता है, आप बिल्कुल इसके पैरेलल यहां पे बनाओ, इस तरह से बनाओ, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो दो वेक्टर से आप पैरेललोग्राम बनाते हो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसका मैग्नीट्यूड निकालो, आपके पास एरिया आ जाएगा, सही। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको बोला है ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लगाओ, और दो आपको साइड्स दे दी गई हैं, तो आप क्या करना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड निकालना, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत दफा करवाया, क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड कोई मसला नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। अब जो ट्राइंगल का एरिया भी होता है, ये पैरेललोग्राम का एरिया होता है ना, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल। अगर आपको दो साइड दे दी जाए, मतलब दो वेक्टर दे दिए जाए ए और बी, और आपको बोला जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इसको हाफ कर दो, ये जो ट्राइंगल पूरा बन रहा होता है इसका एरिया, तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया था। लेकिन ये उस वक्त फॉर्मूला लगाओगे जब आपको दो वेक्टर दे दिए जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में दो वेक्टर आपको नहीं दिए गए, आपको 3 पॉइंट दे दिए गए। अब जरा समझो सिचुएशन को, क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 वर्टेक्स दे दिए गए ट्राइंगल के, कंसीडर कर लो ये ट्राइंगल बन रहा था, ये पूरा ना ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो उसके 3 वर्टेक्स दे दिए, मतलब ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स, आपको वर्टेक्स दे दिए गए, आपको यहाँ पे दो ये वाले वेक्टर नहीं दिए, वेक्टर यहाँ पे नहीं आपको पता, आपको वर्टिसेस पता है, मतलब इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, आपको 3 पॉइंट्स पता है। अब इन 3 पॉइंट से वेक्टर कैसे निकालोगे उसको जरा ऑब्जर्व कर लो। सिंपल निकालने का तरीका क्या होगा कि आप यहां पे दो वेक्टर निकालोगे, कैसे, ए से लेके बी तक ये वाला वेक्टर, ए से लेके सी तक ये वाला वेक्टर। तो अगर आपको ऑलरेडी सवाल में दिए होते फिर तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते, सवाल में आपको नहीं पता था तो आप खुद निकाल लो। आप एक वेक्टर निकालो ए बी और एक वेक्टर होगा ए सी। अब ये दो वेक्टर निकालना मुश्किल नहीं है, आपने पढ़ा था ए बी वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बी माइनस ए, एसी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सी माइनस ए। ये सब फॉर्मूले आप लोगों को पता है, मतलब बुक में आपको ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, तो वहां से आप ए बी और एसी आसानी से निकाल दो। जैसे ही आपके पास ए बी और एसी वेक्टर्स आ जाएंगे तो फिर तो वही बच्चों वाला फॉर्मूला है,
कि एबी और एसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, फिर उनका मैग्नीट्यूड निकालना और उसको 2 से डिवाइड कर देना। तो बस ये शुरू की वर्किंग आपने करनी है, जो कि हमने पहली एक्सरसाइज में की भी है कि बस एबी एसी निकालो, जो दो वेक्टर्स यहां पे आ रहे होंगे ना, उन दो वेक्टर्स का आप यहां पे निकालना क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड निकालना और 2 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो स्टेप आपके कहां से स्टार्ट होंगे, ये पहला स्टेप होगा, ये दूसरा स्टेप होगा, तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे, एबी क्रॉस एसी निकालोगे, तो वही डिटरमिनेंट होगा आई जे के, पुट करोगे आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे और फिर एंड पे लिखोगे वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 ये वाला, इसमें इस पूरी चीज की वैल्यू पुट करना, डिवाइड बाय 2 कर देना, आंसर आ जाएगा। तो मैं सिर्फ होमवर्क नहीं दे रहा, आपको प्रॉपर स्टेप्स पूरे बता दिए किस तरीके से आप सवाल को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, ये तो इसका करेक्ट तरीका है, आसान तरीका हम यूज कर रहे होते हैं, इसका एक और तरीका भी हो सकता है। जैसे आपने ए बी और ए सी निकाला है ना, आपने ए को रेफरेंस माना है, तो आप बी को रेफरेंस भी मान सकते हो, आप इस तरह भी कर सकते हो, बी को फिक्स करो बी से लेके ए तक, बी से लेके सी तक, मतलब आप ये दो वेक्टर निकालो, बी से लेके ए, बी से लेके सी, ये वाली पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। या आप सी को रेफरेंस बना लो, सी से लेके ए, सी से लेके बी, ये भी कर सकते हो। इन सब सिचुएशन में आंसर आपके पास सेम नहीं आएगा, क्योंकि आप निकाल रहे एरिया, सब आपको एरिया सेम ही देंगे, फर्क बस 19-20 का होगा यार, अगर आप इनके डायरेक्शन चेंज करोगे, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट में तीसरा वेक्टर आता है, तो मे बी ए बी और ए सी करोगे तो तीसरा वेक्टर आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा होगा, परपेंडिकुलर होता है ना, तो मे बी वो इस तरह परपेंडिकुलर हो, मतलब सामने की तरफ उसकी डायरेक्शन हो, अगर आप ये निकालो तो मे बी उसकी डायरेक्शन इनटू द बोर्ड हो, पीछे की तरफ हो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे सबका मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, आप ये वाली सिचुएशन करो, ये वाली सिचुएशन करो, ये वाली सिचुएशन करो, इनका जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे मैग्नीट्यूड आपका सेम ही आएगा। वेक्टर में फर्क हो सकता है, इस वाली चीज में फर्क हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होगा, और अगर मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं है, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो एरिया सेम ही है। तो बेहतर आसानी के लिए आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हो, लेकिन बाकी अगर आपके जहन में आ रहा हो तो वो वाला भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कोई मसला यहां तक? देख लो सवाल, सवाल अगर इजी हो करते हैं ना, तो बोलते हैं ट्राइंगल की दो साइड्स आपको दे देते हैं, मसले हल, या वो सिंपल आपको बोलते हैं ए और बी ये दो वेक्टर हैं, अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, तो जब ऑलरेडी दो वेक्टर दे दिए जाए तो मसला नहीं है ना, डायरेक्ट हम वाला हाल हो गए, लेकिन अगर तीन पॉइंट्स दे दिए जाए तो फिर आप इस तरीके से दो वेक्टर बनाओगे, फिर पूरा ही काम करोगे। अच्छा, अब 7 में क्या लिखा हुआ है, आपको वेरीफाई करना है, इसको आप कहते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या लॉ है, ए क्रॉस बी प्लस सी ये बराबर होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ वाला काम कोई मसला नहीं होता, ये लेफ्ट हैंड साइड आप पिक करोगे यहाँ पे, सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है, सबसे पहले बी प्लस सी निकालना है, आप लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले बी प्लस सी निकालना, या लेफ्ट हैंड साइड से पहले आप कुछ चीजें निकाल लेना, फॉर एग्जाम्पल ये लेफ्ट हैंड साइड लिखने से पहले ना आप ये कुछ काम कर लेना, मतलब सबसे पहले बी प्लस सी निकाल लेना, बी और सी को ऐड कर देना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, फिर आपको नजर आ रहा है ना कि लेफ्ट हैंड साइड से पहले तो एक कर लो, या एक साथ एक क्रॉस बी भी निकाल सकते हो, मसला नहीं है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लेफ्ट और राइट सॉल्व करने से पहले ही ना ये चीजें मालूम कर लो ऑलरेडी, ताकि डायरेक्ट फिर आप पुट कर दोगे। जैसे राइट हैंड साइड में आपको पता है ए क्रॉस बी आ रहा है, तो आप पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, फिर ए क्रॉस सी आ रहा है, आप पहले ए क्रॉस सी निकाल लेंगे, जब ये सब चीजें आपके पास ऑलरेडी आ जाए आप इनको लेफ्ट और राइट में आप पुट करोगे, तो जब ये तीन चीजें निकाल लो, अच्छा तरीका ये है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई इसमें कोई एक तरीका नहीं है, मर्जी आपकी, लेकिन अगर आप पहले तीन निकाल लो ना, अब आप इसको सॉल्व कर लो, कैसे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए क्रॉस बी प्लस सी, तो अब बी प्लस सी आपको पता होगा ना और ए भी आपको पता है, तो डायरेक्ट आप यहां पे आई जे के लिखोगे, ए सेकंड रो में लिखोगे और बी प्लस सी जो भी आ रहा होगा उसको थर्ड रो में लिखोगे, सॉल्व करोगे, रिजल्ट में एक वेक्टर आ रहा होगा उसको वन बोल देना, फिर आप राइट हैंड साइड को पिक करना, राइट हैंड साइड में ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी ऑलरेडी आप निकाल चुके होंगे, तो जो ए क्रॉस बी आएगा वेक्टर उसको लिखना, जो ए क्रॉस सी आएगा वेक्टर उसको लिखना, उनको आपस में ऐड कर देना, जब ऐड करोगे रिजल्ट में जो भी वेक्टर आएगा उसको टू बोल देना, तो आप खुद 1 और 2 को ऑब्जर्व करोगे, मतलब इस नतीजे पहुंचोगे ये वाला आंसर ये वाला आंसर सेम ही होगा, तो आप कहना कि भाई 1 और 2 को जब ऑब्जर्व करेंगे तो नतीजे में पहुंचेंगे,
कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये आपस में बराबर है। इस तरीके से प्रूफ करो। प्रूफ करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन आसान ये है कि आप पहले चीजें निकाल लो फिर प्रूफ के अंदर पुट करो, आसानी से हो जाएगा। अच्छा जी, अब बच्चों एट पे आ जाओ। एट पे क्या लिखा था, दो वेक्टर के मैंने नाम दे देते हैं इनको, नाम के बगैर काफी अजीब लग रहे हैं। तो आई माइनस सेवन जे प्लस सेवन के, इसी तरीके से बी है यहाँ पे थ्री आई माइनस टू जे प्लस टू के, ये है। पर आपको बोला भाई यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब देखो ये चीज गलत है, क्योंकि साइन जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना वो एंगल निकालने के लिए सही नहीं होता। ये मैंने आप लोगों को थ्योरी में ही बताया था, दो वेक्टर्स के दरमियान अगर आपने एंगल निकालने तो बेस्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में मसले होते हैं, वो मैंने थ्योरी में डिस्कस किए थे क्या मसले हो रहे होते हैं। लेकिन जब आपको पेपर में बोल दिया जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट सही आपने निकाल दिया, तो फिर आप निकाल के दे दो। जैसे बुक की एग्जाम्पल है, उसमें उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला है और आंसर भी गलत है, मतलब उन्होंने डिस्कस भी नहीं किया था, तो बेहतर रहने दो। अगर बुक ने भी जब गलत ही सॉल्व किया आप लोग भी ऐसे सॉल्व करो। हाँ अगर किसी के जहन में आए कि सर हम इसको ठीक कैसे करें, तो वो मैं चलो एंड पे बता दूंगा। अभी अगर सवाल पेपर में आएगा तो कैसे करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको बोला जाए एंगल निकाल लो। एक तो सवाल आते हैं ना फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ये सिंपल आप डॉट प्रोडक्ट से निकालोगे जो कल की क्लास में हमने सीखा था। लेकिन अगर बोलेंगे यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ही यूज करना, तो फिर यूज करना होगी। और किस तरह यूज करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल निकालने का ये फॉर्मूला था कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे तीन चीजें पता होनी चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। तो ये निकालना आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, इसको हम वन बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस बी जल्दी से हम निकालते हैं, जो जाएगा आई जे के वन माइनस सेवन सेवन थ्री माइनस टू टू। तो माइनस सेवन को टू से करो माइनस फोर्टीन, ये हो जाएगा प्लस फोर्टीन। अच्छा जी माइनस जे टू माइनस ट्वेंटी वन माइनस टू प्लस, ये एग्जैक्ट सवाल हम कर चुके हैं, एग्जैक्ट वही सवाल उन्होंने दिया हुआ है, चेंज भी नहीं कर सके ये लोग। तो आंसर क्या आ रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइनटीन जे और ये हो जाएगा नाइनटीन के। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड क्या होगा 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, हमें जरूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ रहा है 19 रूट टू। सेंस भी बन रही है जब आप इसमें से 19 कॉमन ले लोगे, आई गेस 19 स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1 ये बन रहा है। अगर आप इसमें से 19 स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहां से ही वन बचेगा, यहां से ही वन बचेगा। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हो ना, 19 स्क्वायर ये हो जाएगा 219 स्क्वायर, जब एक चीज को दो दफा ऐड करते हो तो 2 आ जाता है ना उसके साथ। तो 19 स्क्वायर का जब रूट लोगे वो तो सिंपल 19 होगा और 2 का रूट रूट 2 होगा। तो वैसे ये कैलकुलेटर के बगैर भी आप निकाल सकते हो। खैर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ गया, अब आपको क्या निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड। ए क्या है यहाँ पे, आई के साथ वन लिखा है, वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस सेवन का स्क्वायर 49 होता है, सेवन का स्क्वायर भी 49 होता है, तो ये हो जाएगा रूट 99 जो कि रूट 99 ही रहेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर चाहें तो, 99 को 3 से करते हैं तो ये फर्दर हो सकता है 3 रूट 11। इसी तरीके से अब बी का मैग्नीट्यूड निकालो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 तो ये हो जाएगा 17 और 17 ऐसे ही रहता है, उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओ, अब वक्त आ गया एंगल निकालने का, आप 1 को यूज करो, ए क्रॉस बी पुट करो, ए क्रॉस बी क्या है 19 रूट 2 डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो 3 रूट 11 और रूट 17। अच्छा अब यहां पे आपको एंगल निकालने को बोला गया ना, कभी सवाल में ये भी बोलते हैं कि साइन थीटा निकालो, जब साइन थीटा बोलेंगे तो सवाल आपका कंप्लीट है। अगर एंगल निकालने को बोल रहे तो अब आप इनवर्स करोगे, साइन इनवर्स पूरी चीज, ये पूरी चीज बच्चों आपने कैलकुलेटर में पुट करनी है, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा। ठीक है, तो आंसर क्या मिल रहा होगा आपको यहाँ पे, 19 रूट 2 3 रूट 11 मल्टीप्लाई रूट 17, तो आंसर आपको मिल रहा है 40.1
राउंड ऑफ कर लेते हैं 40.92 डिग्रीज, ये आंसर मिल गया। अब देखो मैंने बताया था कि क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ना कभी कभी आंसर आपको गलत भी दे देते हैं, और वो कब होगा, अगर आप वो उस वक्त होगा जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालो, अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आपको गलत एंगल देगा। मतलब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, पेपर में तो आपने यही करना है, पेपर में इसके आगे नहीं लिखना, क्योंकि बुक में यही मेथड डिस्कस किया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट से ऐसे ही एंगल निकालते हैं। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि वंस आपने क्रॉस प्रोडक्ट से भी एंगल निकाल लिया ना, अब अगर आपको चेक करना हो कि यार ये मैंने एंगल ठीक निकाला है या गलत निकाला है, तो आप देखो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया, अगर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब आपको आंसर गलत मिल रहा है। आप जरा डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो, 1 को 3 से करो 3 आएगा, -7 को -2 से करो पॉजिटिव 40, और 7 को 2 से करो पॉजिटिव 40। तो अब यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपका एंगल बिल्कुल ठीक है। एज्यूम करो कि अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा होता फिर क्या होता, कंसीडर कर लो अगर डॉट प्रोडक्ट मेरे पास -31 आ रहा होता, तो इसका मतलब जो एंगल आया वो गलत आया। तो ठीक कैसे निकालते हैं इसको, 180 में से माइनस करूंगा तो जो भी एंगल आता वो बिल्कुल ठीक माना जाता है। ये करेक्ट कॉन्सेप्ट है इसका, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपको कुछ सिचुएशन में गलत आंसर देता है। वो कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें आपका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो जब भी डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है जो भी आपके पास एंगल आया उसको 180 में से माइनस करो, वो आपके पास करेक्ट वाला एंगल होगा। लेकिन ये बात बुक ने डिस्कस की भी नहीं है, तो इसलिए आपको करना भी नहीं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट से भी एंगल आपका 90 से कम आएगा। भाई सिंपल सी बात है, डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला होता है, अगर आप डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालोगे तो इस फॉर्मूले से निकालते हो, तो भाई देखो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव रहेगा ना, डिनोमिनेटर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, न्यूमरेटर नेगेटिव हो सकता है, तो अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है ना तो थीटा यहां पे 90 से बड़ा आ रहा होगा, जबकि इस वाले फॉर्मूले में ये पूरी चीज कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ये असल कॉन्सेप्ट है, ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर ये चीज नेगेटिव है तो समझ जाओ एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, 90 से बड़ा है, जो कि ये आपको बताएगा नहीं। तो आप कैसे निकालोगे, 180 से माइनस करना, खुद ही जो एंगल आ रहा होगा वो 90 से बड़ा आ रहा होगा। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो जो ये फॉर्मूला देगा सेम फॉर्मूला ये आपको आंसर देगा। आप बेशक इससे एंगल निकालो यही एंगल मिल रहा होगा, जब तक डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है इन दोनों फॉर्मूलों से एंगल आपको सेम ही मिलेगा। अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इसका एंगल ठीक माना जाएगा, और इसको ठीक कैसे करोगे, 180 में से माइनस कर देना। लेकिन ये सब काम पेपर में करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ। चाहो तो बहुत अच्छी बात है, आप ये करने के बाद देख दो कि सिंस डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे नेगेटिव है तो एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो मैं 180 में से माइनस करके ये राइट एंगल है इसका। पेपर में लिखना चाहो तो एक्सप्लेनेशन के साथ तो लिख दो, बहुत अच्छी बात मानी जाएगी, वरना इतना भी लिख दो तो काफी है, क्योंकि बुक ने गलत ही डिस्कस किया हुआ, तो क्या कह सकते हैं। उसकी वजह ये कि यहाँ पे तो आप लोग कहोगे सर ठीक आंसर है, तो बुक वालों ने डिस्कस नहीं किया होगा, लेकिन मसला है कि बुक की एग्जांपल पे आओ, ये एग्जांपल उन्होंने पेज नंबर 113 पे की है, तो 113 पे जो आपकी एग्जांपल है ना वो गलत है, उन्होंने आंसर 82 निकाला है, 82 है ही नहीं, 97 कुछ आ रहा होगा, 97 98, तो उसका मतलब बुक में भी गलत उन्होंने किया, तो इसलिए यहां तक भी छोड़ दो काफी है। एग्जाम्पल में जरा आप डॉट प्रोडक्ट से निकालना ना, देखना 98 एंगल आ रहा होगा, 97.7 होगा कुछ, सही। खैर ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा अब एंड के दो क्वेश्चन रह गए, बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, वो मोमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड है, बहुत इजी है। मोमेंट ऑफ फोर्स में हल्का सा बता देता हूं आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका दरवाजा है ना, कंसीडर कर लो ये पूरा आपका दरवाजा है, ठीक है, यहां से वो पूरा अटैच हुआ, कंसीडर कर लो किसी पॉइंट से अटैच हुआ है, तो आप लगाते हो फोर्स इस तरीके से दरवाजे पे, ठीक है, ये फोर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस पॉइंट पे फोर्स लगाई है, तो जो आपका दरवाजा है वो इस तरह मूव करेंगे, यूं करके, मतलब इस पॉइंट से अटैच हुआ है, या तो वो पीछे जाएगा, अगर आप पीछे से फोर्स लगाओगे तो वह आगे आएगा, इस पॉइंट से दरवाजा अटैच हुआ है पूरा, ठीक है। तो आपको कंडीशन क्या दी जाएगी, आपको दो कंडीशन दी जाएंगी, बल्कि तीन होंगी, आपको सबसे पहले फोर्स दी जाएगी कि यार मैंने इतनी फोर्स लगाई, दूसरी चीज आपको बताया जाएगा कि मैंने इस पॉइंट पे फोर्स लगाई है, ये जो भी पॉइंट है मैंने इस पे फोर्स लगाई है, ये दूसरी बात दी जाएगी, और तीसरी आपको बताया जाएगा कि जो वो डोर या जो भी चीज रोटेट कर रही है वो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। जैसे ये पॉइंट फिक्स है ना यहाँ पे, ये वाला, ये कंसिडर कर लो आपका दरवाजा है, तो अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे दरवाजा इस तरह पीछे जाएगा, यहां से तो नहीं हिलेगा ना, यहां से तो फिक्स है, या तो वो पीछे जाएगा, अगर आप पीछे से फोर्स लगाओ तो आगे आएगा, तो जो मोमेंट है, जो पूरा टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो किस पॉइंट के अबाउट आ रहा है, सही है। तो तीन चीजें आपको बताऊंगी, एक फोर्स दी जाएगी, एक आपको ये पॉइंट दिया जाएगा जिस पर फोर्स अप्लाई हो रही है,
और एक पॉइंट दिया जाएगा जिस पे आपका जो भी चीज है वो रोटेट हो रही है। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे अबाउट दिस पॉइंट रोटेशन हो रही है। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको मजीद समझ आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है फाइंड द मोमेंट, आपको मोमेंट निकालना है अबाउट अ पॉइंट। तो जब भी बोला जाए ना अबाउट अ पॉइंट, इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपको दिया। ए ऑफ द फोर्स, फोर्स दे दिया आपको। अप्लाइड एट बी, मतलब ये वाला पॉइंट दिया है कि मोमेंट हो रही है इस पॉइंट पे, अबाउट दिस पॉइंट, अप्लाई किया इस पॉइंट पे, और जो फोर्स है वो सवाल में आपको दी गई है। तो अब जरा सॉल्व कैसे करोगे, मैं जरा डेटा लिख देता हूं। फोर्स गिवन है आई प्लस टू जे माइनस के। अच्छा ए पॉइंट आपको दिया हुआ है 1, 3, 5 और बी पॉइंट दिया हुआ है 3, -2, 5। अच्छा जो मोमेंट का फॉर्मूला होता है ना, बाय द वे फॉर्मूला ये होता है, इसको टॉर्क कह लो या मोमेंट कह लो, चलो ये फॉर्मूला होता है आर क्रॉस है, ये ऑर्डर बड़ा मैटर करता है, एफ क्रॉस आर नहीं करता, आर क्रॉस एफ फॉर्मूला होता है। अब सवाल ये कि आर क्या होता है, आर को आप कहते हो मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म ये आर हो गया ना, मोमेंट आर, इसका मतलब कितने डिस्टेंस पे आपने फोर्स अप्लाई किया। तो देखो ये यहां से अटैच हुआ था ना, बुक ने बोला है कि अबाउट पॉइंट ए और अप्लाई किया आपने पॉइंट बी पे, तो इस पॉइंट से लेके यहां तक ये जो पूरा वेक्टर है ये कहलाता है मूवमेंट आर्म का, और इसकी डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट होता है ये इस पॉइंट पे जिसके अबाउट रोटेशन हो रही है, और एंड होगा उस पॉइंट पे जिस पे आपने फोर्स अप्लाई की, ये पूरी चीज आर होती है। तो अभी आपने आर निकालना है, तो आर का सिंपल फॉर्मूला क्या है, आर का फॉर्मूला होगा ए से लेके बी। किस तरह निकालोगे, आपको पता है ए से लेके बी का मतलब बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या होगा 3, -2, 5 - a, a यहां पे क्या है 1, 3, 5। तो सॉल्व करो यहां पे क्या आ जाएगा 3 - 1 - 2 - 2 - 3 ये हो जाएगा -5, 5 - 5 ये हो जाएगा 0। वेक्टर की फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे 2i - 5j और k तो इसका 0 है, ये आपके पास आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात बस यही है, एक तो फॉर्मूले में लोग गलती करते हैं, इसका r क्रॉस f है, f क्रॉस r नहीं करता। दूसरी बात r की कैलकुलेशन में गलती होती है, उनको ये नहीं पता कि ये r वेक्टर स्टार्ट कहां से होगा खत्म कहां पे होगा। तो दोबारा बता रहा हूं, स्टार्ट होगा ये उस पॉइंट से जिसके अबाउट रोटेशन हो रही है, इसके अबाउट रोटेशन हो रही है, खत्म कहां पे होगा जिस पे फोर्स अप्लाई की है, आपने बी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की थी, लाइक दरवाजा नहीं है, वर्डिंग में उन्होंने मेंशन किया है कि अबाउट दिस पॉइंट, इसका मतलब वहां से स्टार्ट हुआ, और फोर्स अप्लाई की इस पॉइंट पे, इसका मतलब वहां पे खत्म हुआ। तो वहां से लेके दूसरे पॉइंट तक, ए से लेके बी तक, कैसे निकालोगे बी माइनस ए, बाद वाला पॉइंट माइनस पहला वाला पॉइंट। जैसे ही आपके पास आर आ जाएगा, एफ तो बच्चों ऑलरेडी पता है, तो ये निकालना आप लोगों की बड़ी बात नहीं है, मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूं, सॉल्व कर लेना। सबसे पहले आर पुट करो, आर में 2 - 5 और के की जगह 0, और एफ क्या है 1, 2 - 1। बस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, जो आपके पास वेक्टर आ रहा होगा वो मोमेंट का वेक्टर होगा। अगर पेपर में बोले कि मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालो, तो फिर जो मोमेंट आ रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालो। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत सिंपल सिचुएशन है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला था उन्होंने कि इफ यू अप्लाई 40 N फोर्स टू द एंड ऑफ 0.3 meter रेंज। देखो जो मोमेंट आर्म था ना, पहले आपको वेक्टर की फॉर्म में दिया था, फोर्स भी वेक्टर की फॉर्म में थी। देखो दो फॉर्मूले होंगे ना, या तो आर क्रॉस एफ होगा, या अगर आप इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखो, मतलब ये मोमेंट एज अ वेक्टर की फॉर्म में था। अगर मोमेंट एज अ, क्योंकि सवाल में क्या बोला है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल इसका मैग्नीट्यूड लेना है आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड अगर आपको याद हो, क्रॉस प्रोडक्ट का दो तरीके थे निकालने के, मैग्नीट्यूड निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आप आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, अगर आर और एफ आपको वेक्टर दिए हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालो। अगर आपको आर और एफ वेक्टर नहीं दिए हैं बल्कि आपको इनके मैग्नीट्यूड पता है, तो फॉर्मूला क्या करोगे, आर का मैग्नीट्यूड एफ का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, अगर आप लोगों को याद हो बेसिक फॉर्मूला था क्रॉस प्रोडक्ट का, ये तो ये फॉर्मूला उस वक्त यूज करते हो जब आर एफ और थीटा आपको बताओ। यहां सवाल में यही है, आपको यहाँ पे आर और एफ का वेक्टर नहीं दिया हुआ, अगर वेक्टर दिया होता तो डायरेक्ट आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते और फिर मैग्नीट्यूड निकालते। तो सवाल में ये गिवन है कि देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है 40 N फोर्स है,
और बोला हुआ है टू द एंड ऑफ 0.3 मीटर। अब ये पूरा उन्होंने मूवमेंट आर्म दिया हुआ है। अच्छा इसमें सिचुएशन क्या है, ये जो रेंच का वर्ड यूज हुआ है ना, रेंच होता है वो यार वो सिल्वर सा था जिसको कहते हैं पाना, अब वो जो इस घर मतलब काम करते हैं ना प्लम्बरिंग का थोड़ा बहुत आता है तो उसको पाना कहते हैं। अगर आपने कोई स्क्रू ढीला करना है टाइट करना है वो यूज कर रहे हो, बाइक वाले भी यूज करते हैं लेकिन वो काफी सिंपल पाना होता है। अगर आपने कोई बड़ा नट बोल्ट बोलना तो एक बड़ा सा पाना होता है उससे आप खोल रहे होते हैं। तो होता है कि इस टाइप की शेप होती है यार, मैं उसकी शेप एग्जैक्ट से बताना हो, एक सर्किल होती है एंड पे इस टाइप का ना बना हुआ होता है पूरा, वो आप इधर ना आपको कोई स्क्रू होता है कोई भी स्क्रू है ना इसके अंदर इसको डालते हो और इसको पीछे से एक पूरी डंडी बनी होती है, तो आप इसको खोलते हो कोई भी स्क्रू है तो उसको घुमाते हो, तो ये वाला सीन है। तो सीन क्या है यहाँ पे कंसीडर कर लो एक पॉइंट है जिसके अबाउट अब आप करने लगे उसको, आप उसको पकड़ के घुमाते हो, तो ये जो पूरी लेंथ है ना मूवमेंट आर्म जो है ये उन्होंने दिया है 0.3 मीटर। असल में मैं समझाना चाह रहा हूँ 0.3 मीटर जो है ना वो यहाँ पे मूवमेंट आर्म का मैग्नीट्यूड आपको दिया है। और दूसरा ने क्या बोला, फोर्स 40 न्यूटन आपने अप्लाई किए, ठीक है, किस डायरेक्शन में किया है मतलब क्या थीटा बन रहा है, ये सवाल में आपने दिया हुआ उन्होंने कि 110 डिग्री बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आर है तो फोर्स मैंने कुछ इस डायरेक्शन में कंसीडर कर लगा दी, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ एंगल जो है पूरा 110 डिग्री बन रहा है, बट आपको उन्होंने एंगल दे दिया आर का मैग्नीट्यूड एफ का मैग्नीट्यूड दे दिया और बोला क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम जो है वो निकालना है आपको। सिंपल फॉर्मूला आपने सामने लिखा हुआ है जो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये पूरा फॉर्मूला है। आर की इसमें वैल्यू क्या है, आर है 0.3, एफ है यहाँ पे 40 और आपने साइन लेना है 110 डिग्री का। पूरी चीज को कैलकुलेटर में डालो सॉल्व करो आपके पास मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा।